हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मेरे पास है होंडा एक्टिवा 125, वो न्यू मॉडल है, टॉप मॉडल है। कल हुआ क्या कि मैं कल निकला था इसे शॉपिंग के लिए, फिर जैसे घर वापस आया शाम में, वो प्रॉब्लम ये था कि ये चाबी जो है ये इसी में अटक गया था। जस्ट ऑन भी कर रहे थे तो ऑन भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि एकदम ज़ोर से घुमा रहे हैं, शायद चाबी टूट जाए। कुछ ऑफ भी नहीं हो रहा था। अब ऑफ ही नहीं हो रहा है तो चाबी कैसे निकलेगा? देख रहे हैं ये ऑन हो रहा है तो ऑन भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था, और ऑफ कर रहे हैं ऑफ भी नहीं हो रहा था और चाबी भी नहीं निकल रहा था। तो ये प्रॉब्लम कैसे होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहला बात कि प्रॉब्लम कैसे होता है, जैसे इसको ऑफ करके निकाल देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे चाबी निकालते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब ये इसको हम लोग बंद नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे खुला रहता है तो इसमें डस्ट वगैरह, काफ़ी गंदगी ये सब घुस जाता है, धूल धूल मिट्टी घुसता है, उसके बाद पानी पड़ता है। तो होता क्या है कि पानी पड़ते पड़ते या तो डस्ट सब ये उसमें घुसता है, पानी पड़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि वो लोहा का चीज़ है, रस्टिंग होता है, और रस्टिंग होता है उसके बाद फिर पानी पड़ता है, और गर्म ठंडा में लोहा का चीज़ है, कभी ज़्यादा गर्मी पड़ा तो वो फैलता है, ज़्यादा ठंडा पड़ा तो सिकुड़ता है। और चाबी भी आप देखिएगा तो चाबी भी काफ़ी रफ है ये। तो होता क्या है कि जैसे घुसा देते हैं इसमें और ऑन करते हैं, ऑन हो जाता है, उसके बाद रस्टिंग के चलते वो जो खांचा है ये, तो ये बढ़िया से नहीं पकड़ पाता है। ये जो खांचा आप देख रहे हैं तो ये बढ़िया से नहीं पकड़ पाता है, तो इसके चलते वो जो चाबी हम घुसाते हैं तो खांचा नहीं पकड़ पाता है, तो ऊपर नीचे होता है, तो ऊपर नीचे नहीं हो पाता है और अटक जाता है और वो निकलता नहीं है, और इसी में बहुत प्रॉब्लम होता है। या तो ऐसा ऑन करके छोड़ दिए, अब ऑन कर दिए हैं, अब ऑफ ही नहीं होगा, अब रात भर ऑन रह जाएगा, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जैसे कल मेरे साथ हुआ, अब क्या करें क्या नहीं, फिर कैसे दिमाग में स्ट्राइक किया कि हाँ ज़रूर इसमें कुछ ऑयल थोड़ा सा अगर डाल देने से, तेल वगैरह कोई भी, जैसे जला हुआ मोबिल, पुराना मोबिल, या तो फिर आपका नारियल का तेल, कोई सा भी तेल लुब्रिकेंट के लिए, फ्री होने के लिए आप कोई सा भी तेल इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक सिरिंज लिया, उस सिरिंज में नारियल का तेल लिया और सिरिंज से ही मैंने इसमें अंदर पूरा, अंदर इसके अंदर चाबी ऐसे ही लगा हुआ था और अंदर पूरा छोड़ दिया, और रात में ही धीरे 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 करते 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 हल्का हल्का हिला रहे थे, बाद में ऑन हो गया, फिर इसे ऑफ भी हो गया, फिर छोड़ निकाल दिए, फिर इसमें तेल डाले, तेल डालकर रात भर छोड़ दिए, और रात भर छोड़ दिए उसके बाद अब देखिए ये आराम से ऑन हो रहा है। तो देखिए होता क्या है कि आप कभी भी या तो गाड़ी धोते हैं, चाहे कुछ ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं, तो ज़रूर से इसको बंद करिएगा। होता क्या है कि बंद कर देने से ना पानी घुसेगा ना डस्ट घुसेगा, तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और बीच बीच में हर समय आप इसमें तेल डालते रहिए ताकि फ्री रहे। बस इतना ही था, मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, बस इतना ही था, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।